भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा नए प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती क्या है कि ये फलकनाश का प्रोजेक्ट है, लीज प्रोजेक्ट है और कमर्शियल ऑफिसेज हैं इसके अंदर। ठीक है, लोकेशन वाइज आपको वैसे ही दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल नेशनल बैंक जो आई आई चंडीगढ़ रोड पर है, बिल्कुल उसके साथ ही बिल्डिंग है। अब पीछे इसके एम टी खान रोड आपको दिख रहा होगा, शायद गाड़ियाँ जा रही हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ तो ये आप टूवर्ड आ जाते हैं अल्फला की तरफ, जो अल्फला का हेड ऑफिस है आदम जी, और इसके बैक साइड वाला जो पोर्शन है वो आ जाता है मेमन मस्जिद को। ठीक है, अच्छा, अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की डिटेल मैं आपको बताऊँ कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये बहुत शानदार है। वजह उसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि ये कमर्शियल ऑफिसेज आपको 40% पेमेंट पे हैंड ओवर हो जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 15 मंथ के इंस्टॉलमेंट प्लान में आपने पे आउट करनी होगी। 17 फ्लोर की ये बिल्डिंग है टोटल, जिसमें 5 फ्लोर शॉप है, 4 फ्लोर पार्किंग है, रिमेनिंग 9 फ्लोर टू 17 फ्लोर जो है वो ऑफिसेज हैं। सेकेंडरी न्यू ऑफिसेज हैं ये, ठीक है, न्यू बिल्डिंग है ये। ठीक है, इसकी खूबसूरती क्या है कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये एक ऑफिस बना हुआ है, इस तरह बहुत सारे ऑफिसेज हैं जो ऑलरेडी रिजर्व्ड हो गए हैं। ठीक है, और लोगों ने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड थिंग इसके बारे में अगर बताऊं ये आपको कि आई आई चंडीगढ़ पे इस प्राइस पे और इस कंडीशन में न्यूली बिल्डिंग के अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, और अगर हैं तो बहुत एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, तो भाइयों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी फर्दर डिटेल मैं आपको दे सकूँ। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊँ कि इसका चार साइड का व्यू चार एंगल से आ रहा होता है, आपको पता है स्क्वायर बिल्डिंग है। ठीक है, तो कुछ सी व्यू साइड पर है, कुछ दूसरे साइड पर है, व्यू अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, मेन आई चंडीगढ़ रोड पर है। ठीक है, और पर स्क्वायर फीट की बात करूं तो वो भी एक रीज़नेबल रेट है जिस पर अभी हम ऑफ़र कर रहे हैं, और बहुत कम इन्वेंट्री है। टोटल 56 यूनिट्स हमारे पास है ऑफिसेज के, जो सोल्ड आउट कर रहे हैं हम। अगर मैं साइजिंग की बात करूं तो 787 मिनिमम स्क्वायर फीट का इसका एरिया है और मैक्सिमम 2200 स्क्वायर फीट का इसका एरिया है। ठीक है, मतलब छोटे ऑफिसेज भी हैं, बड़े ऑफिसेज भी हैं, मतलब आपको इसके अंदर पूरा जो बिल्डर ने बना के दिया है वो एक रूम का पूरा प्रॉपर बना के दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक हॉल है और आप देन इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ भी, ये कम्प्लीट इसके अंदर आपको बिल्डर ने बना के दिया हुआ। आप अगर देखें तो कॉरिडोर भी देखें तो एक जगह बड़ी साफ। बात करूँ तो 787 मिनिमम स्क्वायर फीट का इसका एरिया है और मैक्सिमम 2200 स्क्वायर फीट का इसका एरिया है। ठीक है, मतलब छोटे ऑफिसेज भी हैं, बड़े ऑफिसेज भी हैं, मतलब आपको इसके अंदर पूरा जो बिल्डर ने बना के दिया है वो एक रूम का पूरा प्रॉपर बना के दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक हॉल है और आप देन इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ भी, ये कम्प्लीट इसके अंदर आपको बिल्डर ने बना के दिया हुआ। आप अगर देखें तो कॉरिडोर भी देखें तो एक जगह बड़ी साफ़ सुथरी जगह है। ठीक है, और मैं अगर थोड़ा ओवरव्यू कराऊं तो जैसे ये ऑन बोर्ड है ऑफिस, ठीक है, लोगों ने शिफ्ट हो गए हैं, ये ऑन बोर्ड है ऑफिस, लोग शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑफिसेज में लोग अब शिफ्ट हो चुके हैं, और 17 फ्लोर तक की ये बिल्डिंग है। लोकेशन वाइज अगेन मैं बता दूँ आपको कि मेन आई चंडीगढ़ रोड से बिल्कुल साथी है, ये उसी रोड पर ही है, सैनिक चार्टर्ड के बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग है। ठीक है, अगर मैं इसकी फर्दर खूबसूरती बताऊं आपको कि भाई 100% पे नहीं, सिर्फ 40% आप पे आउट करते हैं तो आपको पोजीशन मिल जाती है विद ली डॉक्यूमेंट के साथ। बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 15 मंथ के इंस्टॉलमेंट प्लान पर है। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ़ौरन से पहले बुक करवाएं इस पर, और मेरा इस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। फर्दर मैं इसकी जो पिक्चर्स है वो भी आगे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिए कि इनसाइड द फ्लोर प्लान क्या है, पिक्चर्स क्या है, लुक वाइज क्या है, सराउंडिंग में क्या है, वो तमाम चीज़ों आना पिक्चर्स मैं अभी इसके अंदर अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं ऊपर फ्लोर पर तो डेफिनेटली मुझे नीचे जाके तमाम चीज़ों को वीडियो कैप्चर करना मुश्किल होगा, तो इसके आगे वीडियो सारी चीज़ें पिक्चर्स में ऐड करवा पाऊँगा। अगेन मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, शायद आपके किसी दोस्त को चाहिए हो, शायद उनके किसी मतलब की चीज़ नज़र आ जाए उनको। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रेंटल के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अप्रॉक्सीमेटली देखूँ अगर मैं 150 से लेकर 180 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ का रेंटल इनकम है,
कि आप 40% दे के आप इसको रेंट आउट कर दें और मंथली आप इंस्टॉलमेंट भी पे आउट करें और 15 महीने के बाद आप इसकी जो भी मंथली अमाउंट है वो आपको मिलेगी। चीज़ अच्छी है, रिजर्व करें और कॉल करें और फौरन से पहले अपना यूनिट बुक करवाएं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलिए इस वक्त मैं टॉप फ्लोर पे मौजूद हूँ और ये आप सामने बिल्कुल सी व्यू देख सकते हैं। आप कस्टमर को बता सकते हैं कि जनाब हमारा ऑफिस नंबर 8, 9, 10 और जो 11 है वो सी व्यू फेसिंग है। एक दफा फिर बता दूं, 8, 9, 10 और 11 सी व्यू फेसिंग ऑफिसेज हैं। अच्छा, ये सामने बिल्कुल ये मेमन मस्जिद है, ठीक है। ये मेमन मस्जिद व्यू है जो कि बिल्कुल लेफ्ट के साथ के जो ऑफिसेज हैं ये उनके फेसिंग है, ये मेमन मस्जिद फेसिंग। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वक्त मैं फलक टावर के सिर्फ सेकंड फ्लोर पर ही मौजूद हूँ, ठीक है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने ये व्यू है सेकंड फ्लोर से ही, सी व्यू किमाड़ी का जो समंदर वो सामने नज़र आ रहा है। और ये पुलिस हेडक्वार्टर है, तो ये आप कस्टमर्स को बता सकते हैं कि आपको जो है वो सी व्यू भी मिलेगा।